27 मई को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लगाई थी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक का दिया था उद्घाटन करने का समय। मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजियाबाद की ओर से दिल्ली के लिए आने वालों के लिए मिलेगी बड़ी राहत। समसपुर जागीर गांव के पास दिया जाएगा यूपी लिंक रोड के लिए रास्ता। पेयजल संकट को लेकर आप सरकार पर भाजपा ने बोला हमला। कहा पेयजल संकट को लेकर गंभीर नहीं है केजरीवाल सरकार। सरकार की नाकामी की वजह से परेशानी से जूझ रही है जनता। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को सुनाई 3 साल की सजा। पाकिस्तान की खुफिया संगठन आईएसआई को देश की खुफिया जानकारी देने का आरोप। 22 अप्रैल 2010 को माधुरी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में गहनों की दुकान में बैठे एक सराफा व्यापारी से लाखों की लूट। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटे लाखों रुपए के गहने। लुटेरे मौके से हुए फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में वसूली मामले का खुलासा होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा हर हाल में बंद होनी चाहिए ठेकेदारी प्रथा। नोएडा के सेक्टर 46 स्थित गार्डेनिया एम्स सोसाइटी में 3 दिन से बिजली नहीं। लोगों ने सोसाइटी में किया प्रदर्शन। बायर्स ने कहा बिल्डर ने 24 घंटे बिजली का किया था वादा। 200 करोड़ रुपए से जीडीए बनाएगा नए एलिवेटेड रोड। सीपीडब्ल्यूडी ने इस रोड को बनाने के लिए की थी 255 करोड़ रुपए की डिमांड। जीडीए ने कहा प्रोजेक्ट को खुद ही करेंगे तैयार। जीडीए को 55 करोड़ रुपए का होगा फायदा। गाजियाबाद में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद 231 स्कूलों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई। शिक्षा अधिकारियों की ओर से स्कूलों के खिलाफ गैर मान्यता प्राप्त का चिपकाया गया नोटिस। गुरुग्राम के पटौदी में बाप बेटी का रिश्ता हुआ तार तार। पिता ने अपनी ही बेटी को 6 महीने तक बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। कानपुर देहात के रूरा गांव में देसी शराब पीने से रिटायर्ड दरोगा जगजीवन लाल समेत 4 लोगों की मौत। ठेका संचालक फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार की ओर से नोटिस दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शुरू की घर की तलाश। उनके करीबी और राज्यसभा सांसद संजय सेठ कर रहे हैं मुलायम की मदद। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बाघ से आम चोरी करने के आरोप में 8 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई। बाघ के मालिक और उसके साथियों ने पेड़ से बांधकर बच्चे को पीटा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। देहरादून में मसूरी गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल की छात्राओं ने सीनियर्स पर लगाया यौन शोषण का आरोप। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा मामले की जाँच। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों के रिजल्ट का इंतजार हुआ खत्म। 26 मई को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद घोषित करेगा नतीजे। हाई स्कूल और इंटर का आएगा रिजल्ट। पार्टी से निलंबित भाजपा नेता और दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने ट्वीट की लालू यादव के बेटे तेजस्वी के साथ एक तस्वीर। कीर्ति आजाद ने तेजस्वी की तारीफ करते हुए बताया बिहार का वंडर बॉय। बिहार के गया में एक थाना अध्यक्ष को शराब माफिया से रिश्वत लेने के आरोप में एसएसपी ने किया गिरफ्तार, लेकिन मौका देकर पुलिस कर्मियों को चकमा देकर थाना अध्यक्ष हुआ फरार। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मंचलों ने कोचिंग से घर लौटते वक्त सुनसान इलाके में छात्राओं से की छेड़खानी। लड़कियों ने मंचलों को घेर कर की पिटाई। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रजरप्पा मंदिर के विकास को लेकर पूर्व निर्धारित बैठक में अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करने का दिया निर्देश। कहा कि रजरप्पा का विकास वैष्णो देवी और तिरुपति मंदिरों की तर्ज पर हो। झारखंड का धनबाद एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला। अपराधियों ने भाजपा समर्थक संदीप मोदी पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। इंदौर में कविता रैना हत्याकांड में आरोपी को बरी किए जाने के फैसले पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जिला कोर्ट ने किया था बरी। परिजनों ने असंतुष्टि जताते हुए दी चुनौती। 26 जनवरी 2015 को कविता की हुई थी हत्या।
मंदसौर के सीतामऊ में 17 साल की छात्रा का वैन सवार युवकों ने अपहरण कर किया गैंगरेप। किशोरी का आरोप, तीन युवकों ने दिया घिनौनी वारदात को अंजाम। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया, तीसरे की तलाश में जुटी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का हमला, आईईडी ब्लास्ट कर सेना के वाहन को उड़ाया, 6 जवान शहीद, 2 घायल। अंबिकापुर में नक्सलियों से जंग के लिए सीआरपीएफ की बस्तरिया बटालियन तैयार, बस्तर के युवाओं को सीआरपीएफ में सेवा देने के लिए मिला अवसर। 1000 युवक युवतियों का चयन करके सीआरपीएफ के कैंप में चल रही है ट्रेनिंग। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा, देश को सौंपेंगे बस्तरिया बटालियन। बटालियन को सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में किया जाएगा शामिल। छत्तीसगढ़ की चिल्पी घाटी के पास बरमदेव घाट में हुआ बड़ा हादसा, एक मेटाडोर अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। घायलों को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में होगी धनुष तोपों की गूंज, सेना के तकनीकी अधिकारियों और जीसीएफ विशेषज्ञों की मौजूदगी में किया जाएगा परीक्षण। लंबी दूरी तक गोला दागने के साथ ही उच्च तापमान और अन्य विषम परिस्थितियों में होगा परीक्षण। राजस्थान के राजसमंद जिले में नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से हुई मौत, गोताखोरों की मदद से शवों को निकाला गया बाहर, पुलिस ने तीनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मुंबई के जेजे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों की पिटाई का मामला आया सामने, मरीजों के परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की पिटाई, इलाज के दौरान गई थी मरीज की जान, नाराज डॉक्टरों ने की हड़ताल। नागपुर के सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र बनाएगा सूखे से निपटने वाला मोबाइल ऐप, इलाके में सूखे से प्रभावित गांव और किसानों की होगी सटीक जानकारी। 2019 की चुनावी तैयारियों में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समालखा से शुरू करेंगे अपनी रथ यात्रा, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस साल करीब 8,00,000 स्टूडेंट्स ने दिया 10वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम करीब 2,46,000 स्टूडेंट्स ने दिया। कर्नाटक में बीजेपी सरकार गिरने के बाद रोहतक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, रोज गार्डन से परशुराम चौक तक जुलूस निकालकर बांटी मिठाइयां, कार्यकर्ताओं ने कहा 2019 में केंद्र के साथ हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनाना तय। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका, सूत्रों के हवाले से खबर, जालंधर कैंट से नेता हरिकृष्ण वालिया हो सकते हैं अकाली दल में शामिल, एचएस वालिया के सुखबीर सिंह बादल से बातचीत जारी। चंडीगढ़ में मौसम ने फिर ली करवट, तेज धूप और लू से पारा 40 के पार पहुंचा, अगले 48 घंटे में और बढ़ सकती है गर्मी, गर्म हवाओं से लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। चंडीगढ़ में पैसों के अभाव की वजह से मासूम का नहीं हो पा रहा है इलाज, आंखों के ऑपरेशन के लिए किसी ने नहीं की मदद, 11 साल का मासूम अंधेरे में रहने को मजबूर। आज से 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की शिरकत, कई अधिकारियों से भी मुलाकात की। हिमाचल के किन्नौर जिले स्थित पंगी गांव में लगी भीषण आग, आग से 3 घर जलकर हुए खाक, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ने पीड़ित परिवारों के लिए 7500 रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और युवाओं के एक समूह के बीच संघर्ष, फायरिंग में एक 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल, बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 4 आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, सेना के जवानों ने 4 आतंकियों को किया ढेर, ऑपरेशन जारी। 26 मई को ओडिशा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कटक के बाली यात्रा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ओडिशा में किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के असम दौरे से पहले आरटीआई कार्यकर्ता गिरफ्तार, किसान निकाय के नेता अखिल गोगोई ने नागरिकता विधेयक 2016 का किया था विरोध।
अभिनेता से राजनेता बने रजनीकांत 2019 में लड़ सकते हैं चुनाव। बोले, चुनाव की घोषणा होने पर 2019 में मैदान में उतरने का करेंगे फैसला। बॉलीवुड की जानी मानी गायिका आशा भोसले को 21 मई को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किया जाएगा सम्मानित। आशा भोसले ने ट्विटर अकाउंट पर दी जानकारी, पश्चिम बंगाल सरकार को दिया धन्यवाद। YSR कांग्रेस पार्टी के सलाहकार DA सोम्याजुलू का निधन, 64 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस। जगन मोहन रेड्डी ने निधन पर जताया शोक। मुन्नार के रहने वाले श्रीनाथ ने केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। श्रीनाथ ने रात दिन मेहनत की और तीसरे प्रयास में केरल सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। गुजरात के अमरेली में एक बिजली के तार की चपेट में आने से 5 मजदूरों की मौत, एक की गंभीर हालत, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात में धार्मिक कार्यक्रम में सिंगर पर हुई नोटों की बारिश, 200 और 2000 रुपए के नोट उड़ाए गए। कारोबारियों ने लोक गायक पर उड़ाए 50 लाख से ज्यादा रुपए। झारसुगड़ा के उच्च बाबाहल जंगल में 12 वर्षीय हाथी गंभीर रूप से घायल, वन विभाग ने हाथी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। त्रिपुरा में महिलाओं को लुभाने में जुटी बीजेपी की सरकार, सीएम बिप्लब देव कुमार ने कहा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाएगा आरक्षण।